हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रेलवे गेम स्टार। मजाक कर रहा हूं, द गेमर्स टॉयज हियर। अच्छा ठीक है यार, मजाक बंद करता हूं। हेलो सभी भाइयों और उनकी बहनों को, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले। माई सेल्फ देवांश देव, इट्स टीसी हियर। और पता नहीं यार और क्या क्या है, क्या हाल है सभी के। देखो देख सकते हो हमारी जो वंदे भारत है, आज हम वंदे भारत चलाने वाले हैं। वंदे भारत का तांडव सीआर की पटरियों पर मैं आज करने वाला हूँ। मतलब मैं क्या करूँगा, वो खुद ही करेगी, अब पटरियों पे जाएगी। तो ट्रेन का नंबर जो कि मुझे नहीं पता, इसका बॉयफ्रेंड है तो मुझे इसका नंबर नहीं मिल सकता है। और ये जो ट्रेन है गाइस, ये सोलापुर से मुंबई के लिए जाने वाली है। रिसेंटली आपको सभी को पता ही होगा यार, जो मुंबई के लोग हैं ना, उनको नई दो वंदे भारत मिली है गवर्नमेंट की तरफ से। अब गवर्नमेंट का हो या इंडियन रेलवेज का हो, एक ही बात है। अब भाई देखो, दो वंदे भारत मिल गई, बट हमें किसी एक को तो चलाना चाहिए ना, इतनी भी कंजूसी अच्छी नहीं है। ट्रेन अपनी गाइस आप देख सकते हो अभी कल्याण रेलवे स्टेशन पर खड़ी हुई है। स्टार्टिंग का सिनेरियो आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा। कल्याण से आपको पता होगा, सुबह के 11:30 के अराउंड ये ट्रेन यहाँ पर अप्रोच कर जाती है, और उसके बाद ये जाती है दादर की तरफ, और दादर से सीधा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के लिए। अब देखो यहाँ से इसका डिपार्चर टाइम है 11:35 का, तो जो मेरा टाइम है ना गाइस, वो ऑलमोस्ट यहाँ पर होने वाला है। तो एक काम करता हूँ, मैं पहले हॉर्न बजा देता हूँ। एक तो यार इतना लाउड हॉर्न है ना, मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूँ पहले। इतना लाउड हॉर्न है कि खामखा मैं भी डरूंगा, तुम भी डरोगे, उसमें क्या मज़ा है। तो भाई वंदे भारत, तुम अपना हॉर्न बजाओ। और पता है आज की वीडियो में क्या सबसे बढ़िया बात है यार, देखो मैं अपना ना व्यू पॉइंट पहले यहाँ पर फ्री करता हूँ, और अपने डोर्स को बंद करते हैं। ये देखो यार, मतलब इस ट्रेन में जैसे रियल लाइफ में आपने अगर वंदे भारत में ट्रैवल किया हो, जैसे उसके दरवाजे ऐसे ऑटो वाले हैं। अरे यार, इन डोर्स को क्या कहते थे, मैं ये भूल गया, ऑटोमेटिक डोर्स हैं। हाँ मतलब एक तरह से, तो ये जब बंद होते हैं ना, तो गाइस इससे पहले एक साउंड होती है कि आपके जो दरवाजे हैं वो बंद होने वाले हैं। अब देखो यहाँ से मेरा डिपार्चर टाइम पीछे जाता जा रहा है, तो मैं ज़्यादा टाइम भी लगाऊंगा। एक और यहाँ पर हॉर्न बजाते हैं, और यहाँ से अब हम डिपार्ट करेंगे। कहाँ के लिए, दादर के लिए। यार तुमने थ्रॉटल पावर बढ़ा दी और ब्रेक्स को रिलीज़ किया नहीं, यही होता है यार जब तुम 3 हफ्ते के बाद अपनी वीडियो बनाते हो। चलो यहाँ पे ब्रेक्स को इनिशियलाइज़ कर दिए हैं, और जो ब्रेक्स हैं हमारे वो पूरी रिलीज़ हो चुके हैं पूरी तरह से। एक बार और इनिशियलाइज़ दे देता हूँ, थोड़ी सी यहाँ पे पावर को 15% कर देंगे। और देखो यार, सीआर में मैंने तुम लोगों को काफ़ी वीडियोस में दिखा दिया है। कल्याण से हमने सीएसएमटी का काफ़ी वीडियोज़ में ट्रैवल किया है, जो कि एक सीआर राजधानी भी है। उसमें तो क्या ही मेरे को रिस्पॉन्स मिला था ऑडियंस की तरफ से। और एक मज़े की बात दिखाता हूँ, ये देखो अगर मैं लेबल्स को ऑन करता हूँ ना, तो जो मेरी साइड में ये ट्रेन खड़ी है ना, ये है गाइस हज़रत निज़ामुद्दीन से सीएसटी के लिए जाने वाली सेंट्रल रेलवे की राजधानी एक्सप्रेस, जो कि आई थिंक थोड़ा सा लेट चल रही है, और ये भी 11:30 के अराउंड यहाँ पे अराइव करी थी। इसका भी यार यहाँ से डिपार्चर का सिग्नल देखो मिलने ही वाला है, तो अब तुम भी समझ गए होगे कि यार क्या होने वाला है पूरी वीडियो में। इन दोनों ट्रेन का क्लैश होगा कि यार कौन सीएसटी पहले पहुंचेगी। इसको जहां तक मुझे लग रहा है अभी सिग्नल मिलने ही वाला है कुछ सेकंड में ही। और वैप 7 देख रहे हो भाई, क्या शानदार मिला है, 39,003 जिसका रोड नंबर है। और शेड क्या है यार, शेड भी पता कर लेते हैं। गाइस शेड तो यहां लिखी नहीं है, चलो आगे से पता कर लेंगे। वैसे तो डिपार्ट कर गई है ट्रेन, और देख सकते हो गाइस यहाँ से इसने क्या ही मतलब अपनी ना स्पीड बढ़ाई है। अरे यार ये वैप 7 के व्हील्स को क्या हो रहा था यहाँ पे, ये देखो ये दिक्कत होती है कुछ रूट्स में। आपने देखा होगा जो ट्रैक के ऊपर बहुत ज़्यादा ओवरहेड वायर्स रहती है ना, वो एक साथ जो रहती हैं, ये लाइन जो उन्हें कनेक्ट करती है, उसके नीचे समझ जाना अगर अपने हमजा भाई के मॉडल्स जाने वाले हैं ना, तो वो भाई डांस करने वाली है उनकी बोगी। ये थोड़ा फीचर है जो कि उनको इम्प्रूव करना चाहिए। अपनी आज की जो वंदे भारत है वो तो अपने रोहन भाई की है, आपको पता ही होगा। सबका जो वो था फीडबैक उनके लिए काफ़ी अच्छा था, और एक तो उन्होंने जो अपनी बोगी है ना वो भी काफ़ी इम्प्रूव कर दिया है। जैसा आपने देखा होगा पहले जो मैंने वंदे भारत की वीडियो बनाई है, अच्छा वो छोड़ो, आगे से ये एसी फास्ट लोकल हमें क्रॉस कर रही है। आज भाई ट्रैफिक ना बहुत ही प्यारा होने वाला है, सीआर का गाइस ट्रैफिक रहेगा। अब तुम सभी इमेजिन कर सकते हो भाई किस लेवल वाला ट्रैफिक हमें देखने के लिए मिलने वाला है। मेरी वीडियो बन रही है, अगर ऐसे सबर्बन एरिया वाले में हमारी प्लेयर ट्रेन जाने वाली है ना, तब तो समझ जाना यार कि ऐसी लोकल ट्रेन्स की ना बारिश होने वाली है। बस अपना छाता मत खोलना, छाता वहाँ पे कुछ काम नहीं आएगा। तो वंदे भारत, अच्छा एक चीज़ और सुनाता हूँ, चलो हम पहले तो अंदर चलते हैं ट्रेन के, काफ़ी टाइम हो गया यार मैं अंदर भी नहीं गया। आई थिंक मेरा जो आज का गेम प्ले है वो आधे एक घंटे का रहेगा, तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता। जैसे ही मेरी ट्रेन ना थोड़ा सा हाई स्पीड में जाएगी, अच्छा एक चीज़ देखो, पहले जो ये मॉडल था उसमें ऐसा आई थिंक खाने का नहीं दिया गया था,
बट रोहन भाई ने अपडेट करके अब खाना भी दे रखा है तुम लोगों के लिए। तो भाई किसी ने भी ये कहा ना कि भाई तुमने हमें इतनी सही गाड़ी में मतलब ट्रैवल करवाया और खाली पेट भगा दिया, तो ना मैंने छोड़ना नहीं है। वैसे छोड़ भी सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, जा सकते हो यार, तुम्हारा मन है, तुम्हें क्या करना है, खाना खाना है खाओ, नहीं खाना है मत खाओ। यहाँ पे देखो कल्याण के आउटर में दो लोकोमोटिव्स खड़े हैं और 105 की जो गाइस लिमिट है ना वो हमें यहाँ पे मिल जाती है। तो लोको पायलट जी, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, किधर हो, अपनी सीट पर आओ, अंदर से चलो, कैफ्यू में बैठो। बहुत ही प्यारी यार यहाँ पे जो CR की लोकल ट्रेन्स हैं हमें ओवरटेक करके जा चुकी है। अरे जाओ यार, तुम भी क्या याद रखोगे। पहले मैं अपना यहाँ पे थोड़ा सा ना गाइस वो वाला एंगल करता हूँ, वाइड वाला, उसी में तो मज़ा आता है यार। अब देखो हम अपने कैब में बैठे हुए हैं और यार ये लाइट्स जो डांस कर रही है इनका मैं सब्स्टिट्यूट क्या निकालूं। ओपन रेल्स ना अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। और यहाँ पे राजधानी जो हमारे बराबर में चल रही है, देख सकते हो भाई वो भी हाई स्पीड के एक्शन में आ चुकी है, मतलब जो लिमिट होती है हाई स्पीड वाली उसे मिल चुकी है। अब ये तो भाई कंप्यूटर इसको ऑपरेट करेगा पूरी ट्रेन को, तो तुम्हें भी पता है कैसे लेके जाएगा। उनका तो भाई ये हाल है, कंप्यूटर जो भी ट्रेन को चलाने वाला है उसे तो गंदा मतलब नाइट्रोज लगा के चलाएगा। तो हम कौन सा कम है भाई, वंदे भारत है, ऐसे ही नहीं जाने दूंगा मैं। जो गाइस मैं आप सभी को दिखाने वाला था ना वो ये सुनो यार, इस ट्रेन में ना पता नहीं क्या साउंड वर्क करके दिया है रोहन भाई ने, काफ़ी अलग लेवल का साउंड वर्क है। अब ये देखो ट्रेन की तुम लोगों को आवाज़ आ रही है, जैसे वंदे भारत में असली ज़िंदगी में आपको बताया जाता है रियल लाइफ में कि अगर आप किसी को छोड़ने के लिए आए हो अपने को पैसेंजर को जो कि वंदे भारत में ट्रैवल करने वाले हैं, तो जब ट्रेन किसी स्टेशन से निकलने वाली हो और आप फिर भी ट्रेन के अंदर हो तो आप उस ट्रेन से उतर जाएं अगर आप उसमें यात्रा नहीं करने वाले हैं, वरना क्या होगा, फंस जाओगे, ट्रेन रुकेगी नहीं, तुम्हारे अकेले के लिए कोई दरवाज़ा नहीं खोलेगा, चले जाओगे अगले रेलवे स्टेशन तक, जब उसका स्टॉप आएगा तब उतरवाया जाएगा तुम लोगों को, फाइन लगेगा अलग से। ये आई थिंक एक इंसिडेंट हो गया था किसी आदमी के साथ। अच्छा वो सब ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं बाहर, ये देख सकते हो कौन सा रेलवे स्टेशन है यार ये। सो गाइस ठकुरली रेलवे स्टेशन 11029, कौन सी ट्रेन थी यार ये, CST से पता नहीं गाइस कहाँ के लिए जा रही थी, पीछे चलते हैं ना यार। KOP आई थिंक कोल्हापुर के लिए जाने वाली कोयना एक्सप्रेस। सो गाइस कोयना एक्सप्रेस ने हमें यहाँ पे क्रॉस कर दिया है। और भाई यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही सही लेवल का लोकल ट्रैफिक और राजधानी की और वंदे भारत की अलग ही लेवल की रेस होती हुई डोंबिवली रेलवे स्टेशन को हम यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं। वंदे भारत की बेल बजाते हुए जाऊँगा मैं, और मेरे सीढ़ियाँ ना लगे तो थोड़ा सा इधर आ जाता हूँ। प्लेटफॉर्म देख रहे हो भाई क्या ही स्किप हो रहा है, 97 की इधर स्पीड है, उधर आई थिंक 100 हो रखी है एग्जैक्ट डोंबिवली से बच के। एंड आई थिंक गाइस जो अपने रमेश महाजन जी है ना जो कि इस रूट के ओनर हैं, रूट आपको भी पता चल गया होगा कौन सा रूट है यार, इतना सही रूट है ना, मैंने इतनी सारी इस पे वीडियोस बनाई हैं सभी को पता चल जाता होगा, मतलब रूट्स के ऑब्जेक्ट्स देख के कि ये कौन सा रूट है। और ऊपर देख सकते हो कोई मालगाड़ी जा रही है, ट्रेन ओवर ट्रेन यहाँ पे हो रखा है। थोड़ी सी भाई थ्रॉटल पावर को थोड़ा क्या पूरा ज़ीरो ही कर देते हैं, यहाँ पे यार ग्रेडियंट है ना, अपनी स्पीड लिमिट से अगर ऊपर जाएगी तो अच्छी बात नहीं होगी। और कोपर को गाइस हमने क्रॉस किया है, तो वो जो मालगाड़ी है डेफिनेटली गाइस वसई रूट की तरफ से आ रही थी, अभी आगे जाके मुझे लग रहा है दिवा के आउटर में उसको रुकवा दिया जाएगा या फिर पनवेल की साइड जाएगी, मुझे नहीं पता यार ट्रैफिक ट्रेन कहाँ भाग रही है क्या कर रही है, बस मुझे CR का और अपनी ट्रेन का पता है कि ये दोनों ट्रेन ना आज भाई क्लैश हो रखा है, चूहे बिल्ली वाली रेस हो रही है, दोनों जम के लड़ रही हैं कि कौन पहले पहुँचेगा। चांसेस मुझे राजधानी के लग रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि जो राजधानी है वो कल्याण से निकलने के बाद दादर पर या थाने पर स्टॉप नहीं लेती है। एक तो यार हॉर्न इतना शानदार है ना मेरी वंदे भारत का। चलो थोड़ा पीछे वाले कोच पे चलते हैं, चलो ये थोड़ा इधर आते हैं, कोई ट्रेन हमें क्रॉस करने वाली है यहाँ पे, कोई वैप 7 है ICF ट्रेन के साथ जिसमें भाई 24 डब्बे लगे हुए हैं, 24 कोचर ICF गाड़ी। अरे यार मेरी डेस्क पे पानी भी नहीं रखा और मेरा ना गला सूख रहा है अभी, इतना ज़्यादा बोलने के बाद ना यही हाल होता है। अच्छा ये देखो यहाँ पे CR की कोई लोकल ट्रेन जिसको पहले ही हम ओवरटेक कर रहे हैं, आगे मेरी स्पीड लिमिट्स है 105 आई थिंक। दिवा यहाँ पे आ जाता है, दिवा को मैं क्रॉस करने वाला हूँ। और भाई आज के गेम प्ले के लिए ना
मैंने गाइज अपनी जो शेडोज़ हैं उनको भी ऑफ कर रखा है, ऑल शेप वाली जो फीचर होता है। सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो फिर से किसी लोकल ट्रेन को क्रॉस करते हुए और दिवा को भाई ऑलमोस्ट 100 की स्पीड पर राजधानी और वंदे भारत क्या ही क्रॉस कर रही है यार। तो गाइज बताओ यार आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वीडियो देख के कैसा लग रहा है, इतना सही एक्शन आप सभी को देखने के लिए मिल रहा है। ट्रैफिक सभी को कैसा लग रहा है ये आप बता सकते हो। ये कौन सी ट्रेन है यार, अरे कोई WDG 4D, किसी WDG 4 को पुल कर रहे हैं और उसके पीछे मालगाड़ी लगी हुई है। सो गाइस अगर आप मुंबई में रहते हो तो आपको पता होगा, और अगर आप नहीं रहते हो तो मैं आपको बता देता हूँ, दिवा के आगे जो ये ट्रैक्स जा रहे हैं दोनों जाते तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की तरफ ही हैं, बट अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूँ, दो ट्रैक जो हैं एक टनल से होके थाने की तरफ जाते हैं और जिस ट्रैक पर हम जाने वाले हैं हमारे साथ सबर्बन वाली लाइन है, और भाई हम ना थोड़ा सा लंबा रूट पकड़ते हैं यहाँ पे, तो कलवा और मुंब्रा से होते हुए हमारी जो वंदे भारत है वो थाने की तरफ अप्रोच करेगी, राजधानी को यहाँ पर जाने देते हैं। वैसे भाई एक्शन देख रहे हो क्या एक गजब लेवल का हो रखा है, और आगे जाके थोड़ी सी भाई स्पीड पे भी हमें देखना पड़ेगा, तो उसका भी ध्यान रखते हुए मेरी थ्रॉटल पावर क्या है, चलो 20% कर देता हूँ, बढ़ेगी भी नहीं और जो स्पीड है मेरी थोड़ी सी डाउन होती जाएगी। तो भाई वंदे भारत मुंब्रा को तुम यहाँ पे क्रॉस करो, अगर ये मम हटा दो तो ये क्या बनेगा। चलो ठीक है यार बोलता नहीं हूँ। तो भाई लोकल ट्रेन तुम्हें यहाँ पे मैं पैरेलली ओवरटेक करने वाला हूँ, वैसे यार ये 75 की लिमिट इसको मिल चुकी है और मेरी 500 मीटर बाद आने वाली है, तो चलो किस बात की देरी है, थोड़ा सा कैब व्यू में चलते हैं और ब्रेक्स को यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। वैसे टनल हमें भी यहाँ पे देखने के लिए मिलती है, और भाई ब्रेक्स ना तुमने टाइम पे नहीं लगाया यार, चलो कोई बात नहीं इतना तो यार चलता है। लोको पायलट्स भी जो ब्रेकिंग करते हैं वो तभी करते हैं जब उनको जो स्पीड के साइंस होते हैं वो विजिबल होते हैं, कभी कभी उनकी ट्रेन उन साइंस को क्रॉस भी कर जाती है, बट उनकी जो स्पीड लिमिट होती है फिर भी थोड़ा सा हाई रहती है, बट वो आगे जैसे जैसे बढ़ते रहते हैं अपनी जो स्पीड है वो डाउन करते जाते हैं। 75 की भाई लिमिट है यहाँ पे, आगे वैसे 90 की लिमिट आ जाएगी थोड़ा सा 2 किलोमीटर के बाद, बट 2 किलोमीटर के बाद की बात तब देखेंगे, अभी तो भाई तुम लोग अपना व्यू एंजॉय करो। ट्रैक साउंड बहुत ही प्यारी होने वाली है, मैं काम करता हूँ थ्रॉटल पावर को यहाँ पे 20% करता हूँ और वंदे भारत को भाई जाने देता हूँ। सो मुंबई वासियों बताओ यार अपना मुंबई देख के तुम सभी को कैसा लग रहा है, क्या रियल लाइफ में ऐसा ही दिखता है, क्या बात है यार। यहाँ पे देख रहे हो पैरेलल रेस जो हो रही है ना, उधर राजधानी के साथ चल रही थी और यहाँ पर लोकल ट्रेन के साथ चल रही है। वापस से किसी टनल के अंदर आते हुए, और एक चीज जो आई थिंक मैं कहना भूल गया, जो हमारे रमेश महाजन जी है ना गाइस, आई थिंक उन्होंने जो CR का लेआउट था जो कि सीनरी थी आई थिंक उसमें भी थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं, क्योंकि मैंने जब इसके टेस्ट रन किए थे ना एक्टिविटी के तभी यार जो सीनरी थी मुझे पुरानी वाली नहीं लग रही थी, उसमें मुझे थोड़े से चेंजेस लग रहे थे। और आपको पता होगा जो वो पारसिक टनल है उसका जो एंट्रेंस है दिवा की साइड वाला, उधर यार जो लैंड था ना वो पूरा फेस को कवर कर दे रहा था टनल के, वो चीज़ फिक्स होने की नीड थी जो कि हमारे रमेश महाजन जी ने कर दी है। एक तो यार ये रूट इतना बड़ा हो गया ना, क्या ही बताऊँ अब इसके बारे में। पुणे का यार अपडेट मुझे नहीं पता कब तक आने वाला है पुणे का अपडेट। वैसे गाइस मुझे एक चीज़ और कवर करनी है, कल्याण से जो पुणे की तरफ हम जाते हैं उसका सेक्शन थोड़ा अभी कवर करना है यार मेरे को। CR की मुझे पता है कि ये वाला जो रूट है मैंने काफ़ी कवर कर लिया, मैंने सोचा यार वंदे भारत 2 चलाई है ना तो उसमें से एक तो चला ही देता हूँ। अब वंदे भारत का थोड़ा क्रेज़ भी रहता है, लोगों को पसंद भी आती है, तो इंटीरियर भी थोड़ा बहुत वो देख लेंगे। ट्रेन में हमारी ज़्यादातर आपको खाने के लिए नहीं मिलता है, मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है, बट आज की वीडियो में खाने को भी देख लो मिल चुका है। ज़्यादातर मैं तुम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जाओ चाय ले आओ अपना स्नैक्स वगैरह ले आओ, बट आज तुम्हें ट्रेन में मिल चुका है। अब ये अलग बात है वो तुम्हें इमेजिन ही करना पड़ेगा कि हम उसको खा रहे हैं। तो भाई कलवा को हमारी वंदे भारत यहाँ पे क्रॉस कर रही है, कलवा रेलवे स्टेशन के थोड़ा सा पीछे जाके आई थिंक इसका EMU का कार शेड है, क्योंकि आप यहाँ पे लेबल्स देख सकते हो, बट हमें वैसे विजिबल नहीं हो रहा है। अगर मैं अपने फ्री कैमरा करके उधर जाता हूँ तो आपको शायद कार शेड भी दिख जाए। अच्छा आउटर में लोकल ट्रेन थोड़ी स्लो हो गई, आई थिंक इसको होम सिग्नल थोड़ा लेट मिला है। सो
सो गाइस हमारा जो दादर है वो 24 किलोमीटर यहाँ से बाकी है, और यार थोड़ा सा आगे जाने के बाद ना जो गाइस मेरी ट्रेन है उसको जो स्पीड लिमिट दी जाएगी वो होगी 35 की, क्योंकि आपको पता होगा ये कौन सा स्टेशन था, अच्छा CST से कल्याण के लिए कोई फास्ट लोकल। भाई ट्रैक साउंड सुन रहे हो, ओरिजिनल जो लोकल ट्रेन वाली ट्रैक साउंड होती है ना वो डाली हुई है भाई मैंने। अच्छा साइड में देखो एक बढ़िया सी चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो भाई जलवे हैं यार कुछ इन दोनों गाड़ियों के। अब CR के जो रेल फैंस हैं ना उनके तो भाई मज़े हैं। अगर CR राजधानी हल्का सा लेट हो जाती है तो वो ये चीज़ें आई थिंक जो है विटनेस कर सकते हैं। अब मुझे नहीं पता वो होगा नहीं होगा, वो तो अपने रेलवेज पर डिपेंड करता है, बट ये भाई सिनेरियो मुझे लग रहा है कि हो सकता है एक बार के लिए। बस दिक्कत यही है कि कहीं ना कहीं वंदे भारत को हल्का सा पीछे रख के ना राजधानी को आगे निकाल दिया जाएगा, क्योंकि दादर पे यार अपना स्टॉप है। और राइट नाउ जो गाइस दोनों गाड़ियाँ हैं वो थाने को क्रॉस करने वाली हैं, हमारे जो इस रूट के ओनर हैं उनका ये होम टाउन है। वैसे मुझे नहीं पता उन्होंने अगर अपना अपार्टमेंट जिसमें वो रहते हैं वो दिखाया है गेम में या नहीं, क्योंकि मुझे उनके एड्रेस के बारे में कुछ नहीं पता है, और ये चीज़ें यार ऐसे सोशल मीडिया पे वो भी नहीं करनी चाहिए रिवील। तो अगर मुझे गेम में भी उनका अपार्टमेंट दिख गया तो मैं वो रिवील नहीं करूँगा, क्या फ़ायदा भाई, तुम लोग गलियाँ वलियाँ देख के उनके पास पहुँच जाओ। तो चलो यहाँ पे 35 की लिमिट है और थोड़ी सी थ्रॉटल पावर को 15 करते हैं, 35 कहने वाला था मैं। तो वंदे भारत तुम यहाँ पर, अरे यार राजधानी को देख रहे हो। और गाइस यहाँ पर जो मेरा पैसेंजर व्यू है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था यार, ये होती है राजधानी, ये आई थिंक LTT लाइन से ही इसको आगे निकलवाया जा रहा है। और देखो स्पीड देखो 90 का जो लिमिट है ना वो अभी जाके हमें दी गई है, आई थिंक वंदे भारत को ही 50 के अराउंड यहाँ से निकलवा सकते थे। अब भाई पता नहीं यार ट्रैक मेंटेनेंस ठीक से नहीं किया होगा, तो 35 की लिमिट थी अब उसको फॉलो करना ही था। तो चलो अभी तो स्पीड बढ़ाते हैं और स्किप करते हैं थाने को, थोड़ा हॉर्न बजा के चलते रहते हैं। और सैंडर में थोड़ा बजाता रहता हूँ, जो वंदे भारत के अंदर साउंड्स जो हमारे रेलवेज की तरफ से प्रोवाइड होती हैं वो आपको सुनने के लिए मिलती रहेंगी, तो थोड़ा अच्छा लगेगा सभी को। ये आप सुन सकते हो, सुन रहे हो, अगर हमारे यात्रियों को कुछ शिकायत है तो उस शिकायत को अपने पास ही रखें और हमें ना बताएं। क्या बात है यार, थाने से निकलने के बाद अलग ही लेवल का जो कर्व आया ना, और उसके ऊपर जो मैंने एक्सेलरेट किया है अपनी ट्रेन के साथ, पूरा भाई स्मूथ था ये एकदम। और आउटर पे यहाँ पे किसी लोकल ट्रेन को क्रॉस करते हुए 100 की स्पीड लिमिट हमें यहाँ पे दे दी गई है, तो चलो कंजूसी किसी बात की नहीं करेंगे, 98 या 95 पे क्रॉस करेंगे। अब मुलुंड रेलवे स्टेशन को हमारी जो ट्रेन है वो क्रॉस करने वाली है आगे। CR राजधानी तो भाई कर ही चुकी है ऑलमोस्ट, और मुझे आई थिंक लगता भी नहीं है कि जो LTT लाइन है उस पर मुलुंड रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म आता होगा। वंदे भारत यार स्टेशन क्रॉस करती हो तो हॉर्न थोड़ा कर दिया करो, क्या फ़ायदा भाई फिर मेरे जो व्यूअर्स हैं वो मेरे को सुनाएं कि भाई स्टेशन क्रॉस करते हो हॉर्न नहीं बजाते हो, अच्छे लोको पायलट नहीं हो। एंड गाइस मुलुंड से निकलते वक्त यहाँ पर आप देख सकते हो कोई लोकल ट्रेन है जिसको यहाँ पे पैरेलल हमारे ही टाइम पे जब हम क्रॉस कर रहे थे उसी टाइम पे भाई यहाँ से डिपार्चर मिल गया, और यहाँ पे हमें पैरेलल रेस देखने के लिए मिल चुकी है। आगे से कोई लोकल ट्रेन एक और आ जाती है, और बिल्डिंग्स काफ़ी बड़ी बड़ी यहाँ पे देखने के लिए मिलते हुए, ये भाई अमीरों का यहाँ पे सिटी आ चुकी है नाहूर। मैंने किसी से पूछा था कि ये जो बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, ये जो अपार्टमेंट्स हैं इसमें कोई रहता है या ये ऑफिस की बिल्डिंग्स हैं, किसी ने मुझे बताया था कि यार ये रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ पर आपको ऑफिस भी मिल जाएंगे और रहने वाले भी हैं, बट ये जो देख रहे हो ना साइड में ये जो बिल्डिंग्स हैं, एक तो इनका टेक्स्चर इतना प्यारा है कि तुम एकदम क्लियर देख सकते हो कि हाँ यार फ्लैट्स यहाँ पर दिखाए गए हैं, और इसमें कोई रहता भी होगा, जो सबसे टॉप फ्लोर पर रहते होंगे उनका क्या हाल होता होगा। 11055 लोकमान्य तिलक टर्मिनस से गोरखपुर के लिए जाने वाली गोडान एक्सप्रेस, जो कि भाई हमारी वंदे भारत को नाहूर के आउटर पर क्रॉस कर चुकी है।
देख रहे हो भाई, वैब सेवन क्या लेके जा रहा है अपनी एलएचबी गाड़ी को। आई थिंक गाइस यहाँ से अपने को यार 105 किलोमीटर मिल जाएगी। चलो अच्छी बात है, थोड़ा हाई स्पीड एक्शन हम एंजॉय करेंगे। और यार मेरा पैसेंजर व्यू अल्ट्रा वाइट नहीं हो रखा था, इसको मैं अल्ट्रा वाइट करना भूल गया। ओ भाई राजधानी, ये तुमको क्या हुआ? गाइस अराउंड 95 की स्पीड है मेरी, और थोड़ा सा यहाँ पे थ्रॉटल पावर को बढ़ाता हूँ, 105 किलोमीटर यहाँ पे मिल चुकी है। और हम सीआर राजधानी को यहाँ पर कर रहे हैं ओवरटेक पैरेलली। और ऐसा क्यों है यार मुझे नहीं पता, भंडूप पे इसको स्लो डाउन करवा दिया गया है। भाई भंडूप पे यार यहाँ पे देख रहे हो स्पीड लिमिट थी आई थिंक इनके लिए, भाई बहुत ही गंदा ओवरटेक कर दिया यार। देखो इसका जो सिग्नल है वो भी हरा हो रखा है। बाय बाय सीआर राजधानी। यार एक मिनट, भंडूप पे अगर इसको स्लो डाउन करा दिया और इसको अगर हमारे आगे निकालना है तो ये पीछे क्यों रख रहे हैं? सो गाइस किसी लोकल ट्रेन को यहाँ पर ओवरटेक करते हुए और आगे से आ जाती है कोई फास्ट लोकल। ये आप देख रहे हो ये जो तीन ट्रैक्स है ना हमारे राइट हैंड साइड में, वैसे वो ठीक है, कंजूर मार्ग को हम यहाँ पर क्रॉस करने वाले हैं। और मेरी स्पीड काफ़ी कम है यार, 105 किलोमीटर में मैं 90 के अंडर में जा रहा हूँ। सो गाइस कंजूर मार्ग को यहाँ पर क्रॉस करते हैं। हाँ मैं क्या कह रहा था, ये जो तीन ट्रैक्स देख रहे हो, ये जो एकदम साइड के दो ट्रैक्स हैं ना, ये सिर्फ स्लो लोकल्स के लिए होते हैं। इन पे अगर किसी फास्ट लोकल को डाल दिया ना तो भाई वो किसी स्लो लोकल के पीछे ही रुक जाएगी, क्योंकि स्लो लोकल आपको भी पता है ज़्यादातर हर जो रेलवे स्टेशन होता है उस पर रुकते हुए जाती है, और जो फास्ट लोकल होती है वो कुछ छोटे छोटे स्टेशन को स्किप करके बड़े जो मेन स्टेशन होते हैं, जहाँ पे रेलवे को पता है कि यार जो कम्यूटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा उतरते चढ़ते हैं, वहाँ पे भाई फास्ट लोकल को स्टॉप दिया जाता है। तो फास्ट लोकल को तो भाई अपने वाली ये जो रेलवे ट्रैक पे अभी हमारी जो ट्रेन चल रही है ये वाली लाइन इनको मिल जाती है। विखरौली गाइस आगे आ जाता है, विखरौली को हम यहाँ पर क्रॉस करने वाले हैं। और दादर भाई अभी भी 13:30 बाकी है। कब आएगा यार दादर, काफ़ी टाइम हो गया। वीडियो को स्टार्ट हुए आई थिंक 25-20 मिनट हो गए होंगे। देख रहे हो यार क्या ही अलग लेवल के कर्व पे जा रही है अपनी वंदे भारत। एक तो हॉर्न यार इतना शार्प है ना, सीधा कान पे आके लगता है। अच्छा भाई मैं थोड़ा सा पीछे बैठ रखा हूँ। सो गाइस कैब व्यू में आ चुके हैं और थ्रॉटल पावर को यहाँ पे डाउन करते हैं थोड़ा। लोकल ट्रेन को भाई यहाँ पे क्रॉस कर चुके हैं। यार एक बात तो है, इस मॉडल में जैसे आप कैब व्यू में आते हो ना तो वंदे भारत की थोड़ी बहुत वाइब्स तो आती हैं। आई थिंक गाइस आगे से कोई ट्रेन हमें क्रॉस करने वाली है, तो चलो भाई क्रॉसिंग एंजॉय करते हैं। कोई वैब सेवन है किसी एलएचबी गाड़ी के साथ, जो कि भाई एसी हो रखी है पूरी, मतलब एसी कोचेज हैं तो कोई एसी सुपरफास्ट होगी। ट्रैक साउंड बड़ी अलग लेवल की थी यार इसकी। सो गाइस घाट कोपर रेलवे स्टेशन को हमारी ट्रेन यहाँ पर क्रॉस करने वाली है। और ये जो आगे के सिग्नल है ना, मुझे इन पे भाई कोई डाउट नहीं है कि ये रेड रहेंगे। ये अभी देखना, जैसे ही मैं पहला जो मेरा सिग्नल है उसे क्रॉस करूँगा ना, जहाँ तक मुझे लग रहा है मेरे जो सिग्नल्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और जो राजधानी है ना उसको हमारे पीछे ही रखा जाएगा। अगर उसको हमारे आगे रखना होता ना तो घाट कोपर पर हम पहले नहीं पहुँचते। और घाट कोपर के आगे आपको पता ही होगा जो है लोकमान्य तिलक टर्मिनस आता है, तो भाई यहाँ पे कोई शंटर किसी ट्रेन के साथ खड़ा हुआ है अपनी, उसको शंट कर रहा होगा तो यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया, बाद में एलटीटी के जो यार्ड होगा उसमें जाके लगा देगा अपनी रेक। और मैंने क्या कहा था भाई, ये जो सिग्नल है ना, मैं जैसे ही इसको क्रॉस करूँगा मेरा आगे का पूरा रूट क्लियर हो जाएगा। तो गाइस विद्या विहार को बढ़िया सी स्पीड के साथ यहाँ पे क्रॉस करने वाले हैं हम, और राजधानी के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो मतलब लेट रनिंग का, तो भाई अच्छी खासी स्पीड मेंटेन करके ना एक काम करते हैं दादर पे चलते हैं। और देखो दादर का जो शेड्यूल दिया है ना 12 बजे का दिया है ओपन रेस ने। अच्छा ये देखो लेफ्ट हैंड साइड पे जो ट्रैक जा रहे हैं ये जाते हैं लोकमान्य तिलक टर्मिनस की तरफ, इसको छोड़ते हैं इधर। ये कौन सा था, विद्या विहार। विद्या विहार को हम क्रॉस कर चुके हैं। दादर की यार जो टाइमिंग है ना वो 12 बजे की दी गई है, असली में आई थिंक इसका टाइम थोड़ा ज़्यादा रहता है पहुँचने का, बट ओपन रेस ने मुझे थोड़ा पहले की टाइम दी है। पता नहीं भाई कौन सा माल फूक के इसने ये टाइम टेबल बनाया है मेरे लिए। यार तुम सभी देख सकते हो मैं अच्छी खासी स्पीड मेंटेन करके अपनी वंदे भारत के साथ चल रहा हूँ, कहीं मैंने अननेसेसरी जो मेरी स्पीड है डाउन नहीं करी है।
और ओवर स्पीडिंग हल्की फुल्की हुई है 5-10 किलोमीटर पर आवर वाली, वो भी जब मैं ब्रेक लगा रहा था, जहाँ पे मेरी जो स्पीड है वो डाउन करवाई जा रही थी वहाँ पर जब मैं ब्रेक लगा रहा था तो थोड़े से जो ब्रेक्स हैं वो टाइट नहीं थे। टाइट यार पहले क्या था ना, इस मॉडल का जो वर्जन 1 था उसमें तो ब्रेक्स ऐसे मिले थे कि 0% अप्लाई किए और 100 से 0 कब होगा तुम भाई अंदाजा ही नहीं लगा सकते। तो मैं ऐसा लगता है कि तुम कोई चार पहियों वाली गाड़ी चला रहे हो, कोई ट्रेन तो चला ही नहीं रहे हो, इस हद तक भाई इतने गंदे ब्रेक्स दिए गए थे। बट अभी के ब्रेक्स तो ऐसे हैं जैसे कोई साइकिल चला रहे हो। बट एनीवेज अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कुर्ला रेलवे स्टेशन पर कोई एसी लोकल ट्रेन यहाँ पे खड़ी हुई है जिसको भाई हम क्रॉस कर रहे हैं। कुर्ला रेलवे स्टेशन भी काफी अच्छा खासा बड़ा रेलवे स्टेशन है यार, और आई थिंक मैं बिना हॉर्न के भाग गया। थोड़ा सा आगे जब मेरी ट्रेन आ गई तब मैं हॉर्न बजा रहा था। बट एक चीज़ काफ़ी अच्छी है हमारे रेलवेज की, कभी भी जैसे किसी रेलवे स्टेशन से हाई स्पीड में कोई ट्रेन जानी होती है ना और उसका स्टॉप नहीं होता है तो रेलवेज क्या करता है, प्लेटफॉर्म पर अनाउंसमेंट ज़रूर करता है। किसके लिए? पैसेंजर्स के लिए, कि भाई देखो इस रेलवे ट्रैक से या इस प्लेटफॉर्म से कोई हाई स्पीड में ना ट्रेन जाने वाली है, अगर तुम लोग वहाँ से नहीं हटे तो कोई तुम्हारे थप्पड़ मार के भाग जाएगा और उसमें रेलवेज वाले कुछ नहीं कर पाएंगे। तो वो तुम्हें वार्न कर देते हैं कि भाई अपनी सेफ्टी के लिए थोड़ा सा जो रेलवे ट्रैक है उससे दूर हो जाओ। तो भाई कुर्ला पे भी ऐसा हो गया होगा कि वंदे भारत क्रॉस करने वाली है, पीछे हो जाओ। उसका जो लोको पायलट है थोड़ा अपना हॉर्न बजाना भूल गया और आगे जो रेलवे स्टेशन आ रहा है वो शिव रेलवे स्टेशन है, उसको हम यहाँ पे क्रॉस करने वाले हैं। ये पहला लोन भी अच्छा है यार, बट दिक्कत ये है कि स्लो लाइन पे लोकल ट्रेन जा रही है तो ये जो रेलवे स्टेशन आ रहा है इस पे यहाँ पे इसको स्टॉप दे दिया जाएगा। और मेरा जो दादर रेलवे स्टेशन है वो 4 किलोमीटर बाकी है तो मैं यहाँ पे थ्रॉटल पावर को तो 0 कर देता हूँ और अच्छी खासी हॉन्किंग के साथ जाता रहता हूँ। अभी तो यार तुम सभी ट्रैक साउंड एंजॉय करो पूरा, हॉन्किंग मैं थोड़ी बहुत करता रहूँगा और देखते हैं आगे और हमें क्या क्या ट्रैफिक देखने के लिए मिल सकता है। अब देखो मैं पता कैसे अज्यूम कर रहा हूँ, जो सीआर राजधानी है वो हमारे पीछे रहेगी। देखो लेफ्ट हैंड साइड में यार कोई भी रेलवे ट्रैक नहीं है, अब मेन लाइन के सिर्फ 2 ही ट्रैक हैं। एक तो दादर पे अप्रोच करते वक्त ना FPS ऐसे भाई डाउन होता है। अच्छा यार मैंने शेडोज फॉर ऑल शेप ना ऑफ कर रखा है। वैसे एक चीज़ आप नोटिस करोगे, उस फीचर को जब आप ऑफ कर देते हो ना जो आपका ये वर्ल्ड है पूरा, मतलब जो रूट है वो थोड़ा निखर के आता है कहीं भी, क्योंकि डार्क शेडोज नहीं है, पूरा सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है, हर जगह भाई सनलाइट पड़ी रही है रूट में। और आगे जो रेलवे स्टेशन आ रहा है वो है माटुंगा रेलवे स्टेशन। थोड़े से यहाँ पर मैं ब्रेक्स को अप्लाई कर दूंगा और थ्रॉटल पावर आई होप मेरी 0 है। जी हाँ, क्योंकि यार जो मेरा दादर है ना वो थोड़ा सा पास पहुँच रहा है और माटुंगा में और दादर में सिर्फ और सिर्फ 1.5 किलोमीटर का फ़र्क है आई थिंक। अच्छा यहाँ पर आप देख सकते हो दादर कोचेज रिवर्सल ट्रैक। अच्छा जो दादर में यार्ड में जो कोचेज रहते होंगे ना, या जो मेन लाइन की ट्रेन्स होती हैं जो अप्रोच कर जाती हैं दादर पर टर्मिनेट होने के लिए, उनको जब रिवर्स करवाते होंगे यार्ड के लिए तो यहाँ पर लाते होंगे। क्या ट्रैक साउंड हुई है यार, सुन रहे हो? ओहो, गजब लेवल का एक्सपीरियंस। और यहाँ पर आप देख सकते हो दादर का यार्ड, भाई छोटा मोटा यार्ड नहीं है, दादर पर अगर अप्रोच करते हो ना तो यार्ड को एंजॉय करते हुए जाना। मेरे तो भाई यार्ड में मैं ज़्यादा ट्रैफिक नहीं लगा सकता हूँ वरना मेरा जो FPS है वो पूरा ऐसा हो जाएगा ना कि अभी तुमको कुछ गर्म सा खाने के लिए मिल जाएगा यहाँ पर, जो कि होगा मेरा CPO। और स्पीड को मैं यहाँ पर थोड़ा सा डाउन करता हूँ। क्या बात है यार, दादर पे हुई है एक बढ़िया वाली एंट्री। अब अपनी वीडियो को देख के ना, मतलब वीडियो तो तुम लोग देख रहे हो, अपने गेम प्ले को देखकर ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई मज़ा तो आ रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैंने वीडियो शुरू करी थी ना सीरियसली यार मेरे पे बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी, मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं आज रिकॉर्ड कर पाऊँगा और बात कर पाऊँगा। और दादर पर ओवरटेक भी दे रखा है भाई, ऐसी वैसी ट्रेन थोड़ी है भाई वंदे भारत। ये देखो किसी LHB गाड़ी को अब दादर पर पता नहीं कब से आ रखी होगी, अगर 5-10 मिनट पहले आई होगी तो ठीक है, अगर 20-30 मिनट पहले आई होगी ना, अब जाएगी ये भी आई थिंक CSMT और यहाँ पर रुकवा रखा है। अब ऐसा क्यों है ये तो मुझे भी नहीं पता भाई। चलो अपने एकदम फ्रंट वाले कोच पर चलते हैं। दादर पर जो हमारी वंदे भारत है वो अप्रोच कर चुकी है, थोड़ा सा यार प्लेटफॉर्म के एंड पर हम चले जाते हैं। अगर मैं पीछे आकर देखता हूँ तो जो मेरी ट्रेन है वो अभी भी जो है फिट नहीं हुई है पूरे प्लेटफॉर्म पर। और एक चीज़ काफ़ी बढ़िया है भाई, देखो अपनी ट्रेन के ना डोर्स मैं ओपन करूँगा
तो सच में तुम लोग उतर सकते हो अगर तुम्हारा मन करे तो। तो चलो भाई अब अपने ब्रेक्स को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो वंदे भारत एकदम पूरा भी तुमको यहाँ पर स्टॉप नहीं लेना है, थोड़ा सा आगे चलते रहना। अभी भी यार जो दादर का गाइस देख सकते हो प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस है ना वो 0.2 किलोमीटर है। सो गाइस ऑलमोस्ट यार प्लेटफॉर्म के एंड पर हमारी वंदे भारत अप्रोच करते हुए, चलो अब फाइनली यहाँ पे रोक ही लेते हैं यार, कितना और ज्यादा आगे लेके जाऊंगा। ऐसे में पता है ट्रेन हल्की हल्की चलती जाती है और रुकती नहीं है, तो मैंने ये चीज़ बहुत नोटिस करी है, जो पैसेंजर्स होते हैं ना वो कसम से भाई गाली देते हैं उसको, लोको पैलेट को, कि भाई और कहाँ लेके जाएगा, घर लेके जाएगा, क्या रोक दे, ये वो फलाना ढिमकाना पता नहीं क्या क्या। जो हमारा स्टॉप का यहाँ पर टाइम दिया ना कि 40 सेकंड में तुम्हारे, अरे यार तुमने ट्रेन रोक दी और बात में फंस के ना तुमने अपने डोर्स ओपन किए नहीं है। वंदे भारत है कुछ तो भाई उसकी लेगेसी का इज्जत का ख्याल रखो। चलो यहाँ पर डोर्स को हमने अनलॉक कर दिया है, यहाँ पर खोल दिया है, तो भाई चढ़ना तो मुझे लग नहीं रहा कोई चढ़ेगा दादर से CSMT के लिए। कौन वंदे भारत में चढ़ेगा? हाँ भाई कोई छपरी हो तो बिल्कुल मत चढ़ जाना, बिना टिकट के अगर इस ट्रेन में पकड़े गए ना तो भाई इतना फाइन लगेगा कि तुम्हारी KTM भी नहीं छुड़ा पाएगी तुम्हें। तो चलो गाइस यू मे डिपार्ट नाउ। वैसे तो बेल बज चुकी है स्टेशन मास्टर की तरफ से कि आपकी जो ट्रेन है यहाँ से रवाना होने के लिए तैयार है, तो आपके ऊपर डिपेंड है आप लेके जाओगे ले जाओ, नहीं ले जाना चाहते हो ट्रेन को यहीं पर रोक सकते हो। और ये देख सकते हो 22924 WAP4 ITRC शर्ट का, आई थिंक मैंने लास्ट वीडियो में इसी को ऑपरेट किया था, किस ट्रेन के साथ, ये तुम्हारा होमवर्क है तुम मुझे बता सकते हो। वैसे क्या बात है यार वंदे भारत भाई कुछ तो लग रही है। चलो अब डोर्स को यहाँ पर क्लोज करते हैं, पहले एक हॉर्न बजाता हूँ वार्निंग के लिए। तो चलो डोर्स को क्लोज कर देते हैं। अरे यार डोर्स को क्लोज करना है तुम दूसरी साइड के डोर्स को ओपन कर रहे हो। दीदी मुझे पता है कि दरवाजे बंद हो रहे हैं क्योंकि मैंने ही किए हैं। तो गाइस पहले हम डोर्स को चेक करते हैं, मैंने यार दूसरी साइड के भी डोर्स ना ओपन कर दिए थे। चलो बंद है तो एक और हॉर्न बजाते हैं और यहाँ से डिपार्चर के लिए रेडी रहते हैं। तो ब्रेक्स को भाई तुम पहले रिलीज़ कर लो, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। तो चलो गाइस 10% की थ्रॉटल पावर लगाता हूँ, वैसे तो मेन लाइन का डिपार्चर है तो ज़्यादा लगा सकता हूँ। और ऑटोमेटिक डोर में पता है क्या बढ़िया चीज़ होती है ट्रेन्स के लिए, आप देखो रेलवेज के पास और लोको पायलट के पास, मतलब एक तरह से कहूँ ना तो सबके पास एक श्योरिटी है सेफ्टी की, कि हाँ कोई भी ना ट्रेन के बाहर नहीं निकला होगा, कोई भी अपना सर या बॉडी पार्ट कुछ भी बाहर नहीं निकाल के बैठा होगा, कोई भी बाहर नहीं गिर सकता है। तो जो ट्रेन है वो अच्छी खासी स्पीड में डिपार्ट कर सकती है किसी भी रेलवे स्टेशन से अगर वो मेन लाइन पर है। और वैसे तो भाई ये नहीं है कि सिर्फ डोर्स की वजह से वो अच्छी स्पीड में डिपार्ट करेगी, जो कि नॉर्मल ICF ट्रेन्स होती हैं और LHB ट्रेन्स भी होती हैं वो भी अच्छी खासी स्पीड में डिपार्ट कर सकती हैं, भले उनके डोर्स ओपन ही क्यों ना हो। रेलवेज़ को या लोको पायलट को घंटा फर्क नहीं पड़ता है इस चीज़ से कि आप अपने बॉडी पार्ट को बाहर निकाल रहे हो या नहीं निकाल रहे हो, वो कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा वो सब ठीक है, दादर से देखो क्या एक गजब लेवल की स्पीड में अपनी वंदे भारत निकल रही है। यहाँ पर भाई ऑलमोस्ट 50 की स्पीड हमने टच कर दी है दादर से निकलते वक्त। तो चलो चलते हैं अपने पैसेंजर व्यू में और परेल रेलवे स्टेशन को हम यहाँ पर क्रॉस करने वाले हैं। और आई थिंक राइट हैंड साइड में आता है प्रभा देवी जो कि वेस्टर्न लाइन पे आता है, और यहाँ पर किसी लोकल ट्रेन को ओवरटेक करते हुए, और CSMT यहाँ से कितना है 7.5 किलोमीटर। चलो अच्छा खासा रन हम मेंटेन कर सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही में अपना जो लास्ट स्टॉप है इस ट्रेन का वो आने वाला है। चलो थोड़ा सा कैब व्यू में चलते हैं। यार मुझे ना पता नहीं एक अजीब सी साउंड आ रही है, जैसे AC ऑन हो रखा हो मेरे कैब में। भाई अपनी जो वंदे भारत है करी रोड रेलवे स्टेशन को यहाँ पर क्रॉस करने वाली है, 100 की रफ्तार यहाँ पर मेंटेन हो चुकी है, 30% की थ्रॉटल पावर को हम यहाँ पर लगा देंगे। आई थिंक इस करी रोड रेलवे स्टेशन को तो हमें लेना ही नहीं था अपने, मतलब इसमें टाइम टेबल में कि इसको हम स्किप कर रहे हैं, हमारी जो ट्रैक है उस पर तो प्लेटफॉर्म था ही नहीं इस रेलवे स्टेशन का। और सेम आई थिंक आगे जो ये रेलवे स्टेशन है इसका भी है, चिंचपोकली रेलवे स्टेशन है। चलो स्टेशन स्किप नहीं कर रहे हैं तो एरिया तो हम बता ही सकते हैं कि ये भाई कहाँ पर अप्रोच कर चुकी है। चिंचपोकली रेलवे स्टेशन को यहाँ पर हम बाईपास कर रहे हैं। सो गाइस अभी लेफ्ट हैंड साइड में हमारे आ जाता है बाईखला रेलवे स्टेशन का यार्ड, यहाँ पे भाई कोचेज जो रेक होती हैं उनको लाकर जो है पार्क कर दिया जाता है, और बाईखला रेलवे स्टेशन को भाई 100 की रफ्तार पे क्रॉस कर रही है वंदे भारत।
असली में आई थिंक जो ट्रेन्स हैं क्या 100 पे करती होंगी यार, 100% करती होंगी। 4 किलोमीटर का फ़र्क है यार उसमें डिस्टेंस में, अभी भी मतलब 4 किलोमीटर बाकी है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। एक तो यार लोकल ट्रेन्स का इतना प्यारा ट्रैफिक देखने के लिए मिलता है ना CR की या WR की एक्टिविटी में, और गाइस एक्टिविटी कम्प्लीटली मेरी बनाई हुई है तो कहीं पर भी ये अवेलेबल नहीं है, इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखना। और थोड़ा सा अगर मैं अपने एक्सटर्नल व्यूज़ में जाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस का यार्ड है वो आपको देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पे। थोड़े बहुत यहाँ पे जो है मैंने स्टेटिक कंसिस्ट यहाँ पे लगा दिया था, तो भाई वंदे भारत, अब तुम्हारे मैं ब्रेक्स को अप्लाई कर देता हूँ क्योंकि भाई आगे ना मेरा जो है 30 का यहाँ पे लिमिट देखने के लिए मिल जाती है और उसके बाद है 20 की, तो ज़्यादा हाई स्पीड में अब हम नहीं जा सकते हैं। आगे आई थिंक गाइस कोई लोकल ट्रेन अप्रोच करिए जो कि है फास्ट लोकल, जस्ट अभी आई थिंक ये CSMT से निकली है। और भाई मेरे FPS का ना रायता बन चुका है। एंड गाइस सैंडर्स रोड रेलवे स्टेशन को यहाँ पर हम क्रॉस कर चुके हैं। गाइस ये वाली ट्रैक साउंड काफ़ी प्यारी लगती है मेरे को। चलो वो सब ठीक है भाई, यहाँ पर ना ब्रेक्स को अप्लाई करता हूँ पहले, तो नहीं तो मेरा FPS इतना डाउन हो गया ना। सो गाइस थ्रॉटल पावर पूरी जीरो है और मुझे अब अंदर अपने कोच में भाई चाय रखी हुई दिख रही है। सीरियसली यार मन तो बहुत कर रहा है चाय पीने का। अच्छा यार मेरे ब्रेक्स अप्लाइड थे, मैं भी तो कहूँ यार मेरी जो ट्रेन है वो कंटिन्यूसली अपनी स्पीड को डाउन क्यों करती जा रही है, और वो भी इतने गंदे लेवल पे। मुझे लगा मैंने रिलीज कर दी है। आगे गाइस रेलवे स्टेशन आ जाता है मस्जिद रेलवे स्टेशन। सो गाइस मस्जिद रेलवे स्टेशन पर हमारी जो वंदे भारत है वो अप्रोच कर चुकी है और मेरी जो स्पीड है मैं थोड़ा सा यहाँ पर डाउन कर देता हूँ क्योंकि यार आगे ना 20 का कॉशन आ जाएगा CSMT में एंट्री करते वक्त। थोड़ा सा आउटर पे 30 की लिमिट देखने के लिए मिल जाती है, बट जब हम थोड़ा अंदर घुस जाते हैं CSMT के तब भाई 20 की लिमिट आ जाती है। और पहले तो मैं थ्रॉटल पावर को थोड़ा सा अच्छे से लगा देता हूँ कि जो मेरी स्पीड है वो 20 के अंडर में रहे और 15 के अबव रहे। अच्छा CST से वाशी के लिए कोई AC लोकल ने जस्ट अभी डिपार्चर लिया है और आगे से ट्रेन आ रही है 12071 CSMT से जलना जाने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस। क्या बात है यार, कल्याण शेट के WDP 4D के साथ ये डिपार्चर ले रही है और ये OG क्या ही घुर्रा रहा है यार। और ट्रैक साउंड आप एंजॉय कर सकते हो, LHB के खटाखट वाले हैं भाई, मतलब वंदे भारत ने अराइव किया है और सेम टाइम पर जनशताब्दी ने अपना डिपार्चर लिया है। जहाँ तक मुझे पता है जनशताब्दी थोड़ा बहुत लेट डिपार्चर ले रही है अपना। अरे यार स्पीड फिर से डाउन होने लगी, चलो 10% लगा देते हैं फिर। CSMT अराइवल तो आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा है ना मेरी, और CSMT से डिपार्ट भी हमने आई थिंक काफ़ी वीडियोस में कर दिया है। अब यार पुणे के सेक्शन में कवर करूँगा। एक्चुअली गाइस दिक्कत क्या है ना, अभी जो अवेलेबल है वो लोनावला से कल्याण तक का अवेलेबल है। अच्छा यहाँ पर देखो यार कोई लाइट पावर खड़ी हुई है और एकदम यार बफर पे लाके टच करवा रखा है Wap 7 को। क्या भाई इसके बफर्स तोड़ने का इरादा है क्या, कौन था इसका लोको पैलेट, देख रहे हो एकदम टच करवा रखा है भाई उससे डेड एंड से। और आगे गाइस देख सकते हो जो लेबल्स होते हैं जो कि हमें बताता है कौन सा रेलवे स्टेशन है कौन सा प्लेटफॉर्म है, उसका भाई यहाँ पर हो चुका है पूरा काम तमाम। और मैं थोड़ा सा सैंडर बजाता हूँ, बंद नहीं खुल जाएंगे चाचा, अभी हम अराइव कर रहे हैं डेस्टिनेशन पर। अच्छा ये देखो यार कोई गरीब रथ एक्सप्रेस, क्या बात है सर क्या बात है, ये देखो Wap 9 के साथ कोई गरीब रथ एक्सप्रेस, मतलब यहाँ मैं बुराई नहीं कर रहा, जो Wap 9 है वो देखो कितना प्यारा जचता है गरीब रथ के साथ। और अगर आपको नहीं, ओ भाई इसका यार EOG काफ़ी बढ़िया साउंड कर रहा है। मैं गाइस सीरियसली यार साउंड वर्क का ना अलग ही लेवल पे फ़ैन रहता हूँ, अगर साउंड वर्क अच्छी है तो मैं भाई सबसे पहले कौन जो कमेंट करूँगा ना वो उसी पे करूँगा। जैसे कि अभी आप सुन सकते हो जो हमारी वंदे भारत है वो कर रही है एकदम अलग ही लेवल की ट्रैक साउंड। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप सभी ने इन्जॉय किया हो। अभी थोड़ा सा पार्ट बाकी है वो आप एंजॉय कर सकते हो। ट्रेन को मैं स्टेशन पर रुकूंगा, उसके डोर्स को ओपन करूंगा। वैसे तो टर्मिनेशन पॉइंट है इस ट्रेन का, इसके बाद ये सोलापुर के लिए जाती है। और जैसे कि आप सभी देख सकते हैं हमारा जो लास्ट कोच है ट्रेन का वो ऑलमोस्ट एंटर कर चुका है प्लेटफॉर्म के अंदर, तो अब जो है मैं अपनी ट्रेन सेफली यार रोक सकता हूँ। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा मैं आगे का पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलता रहता हूँ।
सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू गाइस एंजॉयड इट आप लाइक कर सकते हो, बता सकते हो कैसी लगी, कमेंट करके ये भी बता सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखना चाहोगे। मैं ट्राई करूंगा कि वो बना पाऊँ। सो अपना ध्यान रखो, टेक केयर, मेरी वीडियोस देखते रहो, कीप वॉचिंग माई वीडियोस। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। नाउ अब मैं आप सभी से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो देखो दरवाजे यहाँ पे खुल चुके हैं। अब तुम सभी को टाटा बाय बाय अलविदा, मिलते हैं अपने ओडिशा में।